नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के पिपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघिया पुल के पास शनिवार की देर शाम नीलम देवी नामक महिला पर शकील मियां नाम के अपराधी ने चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया गया। हालांकि अस्पताल ले जाने के दौरान ही महिला की मौत रास्ते में ही हो गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात में महिला के सिर, पीठ और दोनों हाथ के साथ निजी अंग को भी अपराधी ने चाकू से काट दिया है। वह इसको लेकर महिला के पति का कहना है कि शकील मियां पहले उसके घर आता था और जब उसने उसे अपने घर आने से मना कर दिया तो आक्रोशित होकर उसने इस भीषण घटना को अंजाम दे दिया। साथ ही कहा कि घटना के बाद महिला ने भी हमलावर का नाम बताया है, जबकि आसपास के लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग भी की थी। इधर मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है, जबकि मुख्य अपराधी शकील मियां भी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के साथ मामले की जाँच में जुट गई है। इधर इस मामले को लेकर आक्रोश जताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि यह घटना काफी निंदनीय है और इस मामले में मुख्य आरोपी शकील मियां की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। साथ ही हिंदू महासभा की ओर से भी इस मामले पर आक्रोश जताते हुए इस तरह के जघन्य अपराध के लिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। 3:30 बजे बाजार गई थी घर से और उधर से 6:15 में लौटी थी। दवाई लेने गई थी, हमारी बेटी का तबीयत खराब थी, वही दवाई लेकर के आ रही थी। तो बराबर तो अथी टेम्पू से आती थी, लेकिन कारण बस किसी तरह नहीं मिला। टेम्पू पैदल आ रही थी और उस अगल बगल में शकील मियां था कहीं छिप करके। आने के क्रम में वो पहले दौड़ करके आया और पीछे में झबिया चला दिया, उसके बाद माथा पर चलाया, बस गिर गई। गिरने के बावजूद में रोड के किनारे में गिर गई। गिरने के बाद जगह पर घटना हुई सिंघिया पुल के आसपास। गिरने के क्रम में दोनों हाथ काट दिया, दोनों स्तन काट दिया, पैर काट दिया, यहाँ पर मार दिया, इस जगह मार दिया। हम आज इस स्थान पर बाकी बातें हम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन केवल एक बात हम बोलेंगे कि क्या नीतीश कुमार जी का जो नारा था बदलता बिहार नीतीश कुमार, उनका अगर यही बदलता बिहार है तो यह उनको जवाब देना होगा देश की, बिहार की जनता को। और क्या यह इसी जंगल राज की वापसी के लिए आज वो वहाँ गए थे? तो इस नाते एक तो हम लोग इनका आज से कल तक में जो भी है दाह संस्कार का कार्यक्रम वगैरह हो जाए, इनके परिवार के वहाँ भी हम जाएंगे देखेंगे। और केवल यही घटना नहीं, और भी जिले के अंदर जो भी आपराधिक घटनाएं घटी हैं, वह चाहे सुल्तानगंज का मामला हो जो अपहरण हो गया है उनका, मोटरसाइकिल और मोबाइल वगैरह शायद मिला है कहीं पर, लेकिन अभी भी वह अनसुलझा हुआ घटना है। तो इस नाते इस प्रकार की जितने भी आपराधिक घटनाएँ घटी हैं हाल के दिनों में, इन सभी घटनाओं में तुरंत जो है कार्रवाई हो और जो अपराधी हैं वो अविलंब गिरफ्तार हों, पीरपैंती की घटना में भी और सुल्तानगंज के भी घटना में। और सरकार की कहीं भी तत्परता या प्रशासन की कहीं तत्परता इन सब चीज़ों को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर जो दिख नहीं रही है, तो इसके नाते हम यह अविलंब मांग करेंगे कि जो अपराधी हैं वह गिरफ्तार हो और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो सघन अभियान है वह चलना चाहिए। जुर्म की ऐसी तस्वीर जिसे देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला राजधानी के बाद भागलपुर के पिपैती प्रखंड से सामने आया है, जहां एक सिरफिरे व्यक्ति ने एक युवती की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मृतक युवती का इतना ही कसूर था कि उसने अपनी आबरू देने से मामले में आरोपित शकील मियां को मना कर दिया, जिसके बाद शकील मियां ने मौका देखते ही एक सुनसान गलियारे में उसकी चाकू छुरे से हत्या कर डाली। पीड़ित परिजनों की माने तो शकील अहमद एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसका हर गांव के महिला के साथ गलत नज़र रहती है। पीड़ित परिजनों ने कहा है कि मामले में उच्च स्तर कार्रवाई की जाए, जबकि यह मामला कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रंग भी दिखता जा रहा है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल भी ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले की कड़ी निंदा की है, जबकि सीनियर एसपी बाबूराम ने मामले में विशेष टीम का गठन कर दिया है और
जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। बहरहाल अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये अपने में ही एक बड़ा सवाल है। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए इशुराज। भागलपुर के शहरी क्षेत्र को स्मार्ट सिटी योजना के तहत अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी इलाके में लगातार बुलडोजर से अवैध निर्माण और अतिक्रमण किए गए जगहों को पुलिस अधिकारी और जवानों की मौजूदगी में मुक्त कराया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व प्रशासन की ओर से लोगों को नोटिस और चेतावनी भी दी जा चुकी है। वहीं इसी कड़ी में रविवार को जेसीबी और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में नगर निगम की ओर से कामांजी से कचहरी चौक एवं भिकनपुर से कोयला डिपो तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान कई जगहों पर नाला के ऊपर छज्जा निकालने वाले घरों का छज्जा भी तोड़ दिया गया और आगे भी इस तरह का कोई निर्माण नहीं करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसमें बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भागलपुर जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कई पदाधिकारियों और चुनाव कार्य के लिए गठित किए गए विभिन्न कोषांगों के प्रभारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने भागलपुर नगर निगम सुल्तानगंज और नवगछिया नगर परिषद के अलावा कहलगांव पीरपैती अकबर नगर सबौर और हबीपुर नगर पंचायत में होने वाले नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की। वहीं बैठक में डीएम ने जिला स्तर पर गठित कोषांग के कार्यों का निर्वहन के लिए अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया। इधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के तैयारियों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई, जबकि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव से संबंधित बातों की जानकारी लेकर कई डीएम समेत अन्य पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया। साथ ही चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया पत्र भी भेजने की बात बैठक में कही गई। बहरहाल चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार भागलपुर में नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई, जबकि कई प्रत्याशी भी चुनाव की तैयारी में फिर से जुट गए हैं। इन दिनों भागलपुर और नवगछिया में ट्रक ऑनर एसोसिएशन आंदोलन के मूड में नजर आ रहा है। दरअसल पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध वसूली और शोषण के खिलाफ विक्रमशिला सेतु पथ पर एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने सड़क पर परिचालन के दौरान होने वाली कई तरह की समस्याओं एवं शिकायतों को उजागर किया। इसको लेकर शनिवार को कोसी सीमांचल और मध्य बिहार क्षेत्र के ट्रक ऑनर ओम धर्मकांटा परिसर में एकजुट होने की बात कही गई, जहां आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए इस तरह के कानून के कारण ट्रक मालिकों का धंधा पूरी तरह से चौपट हो रहा है और कई ट्रक ऑनर भारी घाटे में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि माइनिंग नीति में भी क्षेत्रवार रूप से विरोधाभास है, जबकि सरकार सड़क और इससे जुड़े अन्य संसाधनों पर भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। उपाध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि गिट्टी की ढुलाई के क्रम में मिर्जा चौकी से नवगछिया आने में चंद घंटों के बजाय ट्रक को 3 दिन लग जाते हैं, जबकि इसके लिए उन लोगों को गिट्टी उठाव स्थल पर महज 24 घंटे का चालान दिया जाता है और यह समय सीमा समाप्त होने पर ट्रक मालिकों से वैध के साथ अवैध वसूली भी की जाती है। मौके पर बबलू यादव, श्वेत कमल, आलोक कुमार और राकेश कुमार झा समेत कई लोग मौजूद थे। हो रहा है परबत्ता थाना क्षेत्र में, यहाँ भी कुछ फाइनेंसर के गुंडा के नाम पर गाड़ियों को दिन को लगा देते हैं, जब इसका हम लोग खिलाफ करते हैं तो वो लोग उल्टे कहते हैं कि भाई पुलिस से मेरा एंट्री है। उसके लिए यहाँ नवगछिया के एसपी और डीएसपी ने कार्रवाई किए हैं, पिछले बार भी यहाँ फाइनेंसर के नाम पर जो भी गुंडा था वो भागे हैं, लेकिन कुछ लोग फिर नया नया परबत्ता थाना क्षेत्र में इसी रोड में पड़ गए हैं, जो कि पता नहीं चलता कौन लोग रहते हैं, लेकिन रात को गाड़ियों को टॉर्च डंटा रस्सी लेकर रहते हैं और पैसा भी छीनते हैं। जो एक आवेदन भी 2-3 आवेदन पड़ा है, पैसा छीन लेना, मोबाइल छीन लेना, इस रूट में चल रही है विक्रमशिला सेतु से लेकर यतेत्री 0 माइल तक। एक एजेंडा और है कि ये विक्रमशिला सेतु पुल जर्जर स्थिति में बनते जा रही है, तो अब उस पर अगर कोई गाड़ी अंडर लोड जा रही है या खाली गाड़ी जा रही है, तो अब जैसी खराब हो गया या उसमें गड्ढा में चक्का जाने से टूट गया, तो पुलिस प्रशासन भी गाड़ी मालिकों को परेशान कर रहे हैं, तो उसके संबंधित भी हम लोग का मेमोरेंडम यहाँ के एसपी महोदय को दिया जाएगा और भागलपुर जिला पदाधिकारी को भी देने की हम लोग का है योजना, उसको हम लोग करेंगे।
नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पूरब की तरफ गंगा किनारे पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव देर शाम बरामद हुआ है। वहीं शव मिलने के बाद वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई, जबकि आसपास के गांव में महिला के शव की पहचान के लिए काफी प्रयास भी किया गया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। वहीं इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहाँ शव के पोस्टमार्टम के बाद उसे 3 दिनों के लिए मोर्चरी में रखा गया। इधर पुलिस लगातार महिला के पहचान की कोशिश में जुटी हुई है, जबकि फिलहाल करीब 40 वर्षीय महिला की मौत गंगा में डूबकर होने की आशंका जताई जा रही है। बॉडी मिला है और कब? गंगा किनारे से कब मिला है? कहां? गंगा किनारे इस्माइलपुर थाना पड़ता है, अथी में परबत्ता थाना में इस्माइलपुर थाना लाया है वहां से। जी, पुल के नीचे था क्या? जी हाँ, पुल से करीब 1 किलोमीटर पूरा पड़ता है गंगा किनारे। जी, वहीं से उठाया। महिला का पहचान हुआ है? नहीं, पहचान नहीं हो पाया। क्या लगता है, कैसे? ऐसे तो देखने से लग रहा है कि पानी में डूब करके मृत्यु होना प्रतीत होता है। पता अभी तक नहीं चला? जी ना, अभी तक कोई पता नहीं चला है। पता कर रहे हैं? हाँ, पता बिल्कुल कर रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रज्जाक हुआ, SI मोहम्मद रज्जाक अली। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत विकास परिषद भागलपुर शाखा और लायंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को लेकर 2 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग उपकरण माप शिविर का उद्घाटन रविवार को नया बाजार स्थित मोती मात्र सेवा सदन में किया गया। शिविर का उद्घाटन भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने किया। कार्यक्रम में भारत विकास विकलांग पुनर्वास केंद्र एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल और रिसर्च सेंटर पटना के डॉक्टर एवं टेक्नीशियन की टीम ने नवजीवन शिविर में कटे हुए हाथ पैर की जांच कर मापी ली। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष रतन कुमार संथालिया ने कहा कि समाज को विकलांग मुक्त बनाने के लिए शिविर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए माप लिया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद को अंग तैयार हो जाने के बाद निःशुल्क लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार उन्मुख अराजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक और स्वयंसेवी संस्था है, जिसके द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने के साथ समाज में दिव्यांगता जैसी समस्या को दूर कर उन्हें जीवन की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। जबकि शिविर में कुल 98 दिव्यांगजनों के हाथ पैर की मापी ली गई। मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने शिविर के आयोजन पर बधाई देते हुए कहा कि सभी दिव्यांगजनों को विकलांगता प्रमाण पत्र मिले यह उनका प्रयास रहेगा। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि देकर की गई। मौके पर परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक माथुर, प्रांतीय महासचिव निर्मल जैन, विकलांग अस्पताल के ट्रस्टी अमर कसेरा, संजय ड्रोलिया और दिवाकर अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, संरक्षक डॉक्टर CS शाह, मोती मात्र सेवा सदन के ट्रस्टी लक्ष्मी नारायण डुकानिया, चेंबर अध्यक्ष श्रवण बाजोरी और पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर समेत लायंस इंटरनेशनल एवं भारत विकास परिषद से जुड़े कई सदस्य और दिव्यांग जन मौजूद रहे। विकलांग होना यह कोई मनुष्य खुद का अपना दोष नहीं है, यह प्रकृति प्रत या किसी एक्सीडेंट के द्वारा लोग विकलांग हो जाते हैं। हम लोग उन्हें किसी तरह से तिरस्कार नहीं करें, वो भी हमारे बीच के लोग हैं। और यह शिविर जो है भारत विकास परिषद द्वारा लगाया जा रहा है, इसमें वैसे लोग जिनका अंग भंग हो चुका है उनको हम लोग कृत्रिम अंग प्रदान करेंगे। भारत विकास परिषद द्वारा यह प्रदान किया जा रहा है और उनको आज उनका नाप लिया जाएगा। माप लेके मेजरमेंट करके लगभग एक महीने बाद पटना से वो बन के आएगा अंग और उनको फिर लगाया जाएगा।
बिहार में सरकारी शिक्षकों पर भागलपुर प्रमंडल कार्यालय से शिक्षा विभाग को फरमान जारी करने के बाद राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ आक्रोश में है। दरअसल आकस्मिक अवकाश और शिक्षकों के सेल्फी वाले निर्देश पर मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर रविवार को बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा इस निर्देश के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जहाँ संघ के प्रदेश महासचिव सुप्रिया सिंह ने शिक्षकों पर जारी किए गए फरमान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रति दुर्व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही आकस्मिक अवकाश पर कहा कि 3 दिन पहले आकस्मिक अवकाश देना कहीं पर भी संभव नहीं है और शिक्षा विभाग अपने कर्मियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि जिस प्रकार अधिकारी खुद से नीचे वर्ग के कर्मियों से दुर्व्यवहार करते हैं, अगर यही फरमान उनके लिए जारी कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे। हालांकि प्रमंडल कार्यालय से जारी किए गए निर्देश पत्र में शिक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाने के विषय पर चर्चा की गई थी, जहां पत्र में शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति को लेकर आकस्मिक अवकाश और सेल्फी वाली बात सामने आई थी। जबकि इस आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षक संघ समेत के शिक्षक संघ आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। देखिए, ये डीओ साहब का जो है ना तुगलकी फरमान चलते रहता है, हम लोग इस फरमान को मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत उनके फरमान को माना, लेकिन अब जो है हम लोग आगे आंदोलन के मूड में आ गए हैं। अगर ऐसा फरमान उनका निकलता रहा तो हम लोग भी सड़क पर उतर जाएंगे। कोई उनका आकस्मिक अवकाश हो या सेल्फी वाला हो, हम लोग सीधे इसका बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल से हम लोग कोई सेल्फी नहीं देंगे। लेकिन आदेश जो है वो तो प्रमंडल के कार्यालय से पारित हुआ है, तो हम लोगों को दिखाए ना आयुक्त महोदय का अगर आदेश है तो वो दिखाए। वो कहाँ दिखा रहे हैं? और दूसरी बात कि सेल्फी हम लोग इसलिए नहीं देंगे कि हमारी निजता का हनन हो रहा है। अभी मुस्लिम बहनें बहुत हैं जो कि नकाब में रहती है, वो लोग नहीं चाहती हैं कि हम नकाब उतार के फ़ोटो खींच के दें। बहुत तरह की बात है, एक साथ जेंट्स और महिला दोनों का फ़ोटो जा रहा है तो इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है, उसके घर में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। ये बार बार क्या है? कभी हम लोगों को कहता है सेल्फी से निगरानी, तो कभी बेस्ट ऐप से निगरानी। भाई, हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं जो हमारी निगरानी करेंगे, क्रिमिनल नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं। हम लोगों को छोड़ दिया जाए पढ़ाने के लिए, अन्य काम जो कुछ से कुछ हम लोगों से करवाते हैं वो सब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा अच्छा से हम लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम लोगों को इसीलिए छोड़ दिया। पुलिस जिला नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग युवती के साथ बदमाशों ने जबरन बलात्कार कर पीड़िता और उनकी माँ को गोली मारने की धमकी भी दी है। इसको लेकर पीड़िता का कहना है कि किसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़िता अपने सहेली के यहाँ चली गई, लेकिन उसके दोस्त ने उसे धोखा देते हुए अपनी मां के साथ मिलकर पीड़िता को संजय पासवान नामक शख्स को सौंप दिया। वह इसके बाद संजय पासवान पीड़िता को बाइक पर बिठाकर बीपुर स्थित एक पोल्ट्री फार्म पर ले गया, जहां उसने फोन कर आशीष उर्फ विकास कुमार को वहां बुलाकर नाबालिग को उसके हवाले कर दिया। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद हथियार के बल पर रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जबकि इसका विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार देने की धमकी दी। साथ ही बताया कि दुष्कर्म के बाद संजय पासवान उसे लेकर कटिहार चला गया, लेकिन किसी तरह से घटना की जानकारी उसके पिता को मिली, जिसके बाद परिजन आनंद फानंद में कटिहार पहुंचे और वहां से नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर वापस घर लाया गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी आवेदन के माध्यम से देने जब पीड़िता महिला थाना पहुंची तो पुलिस ने उसे खरीक थाना क्षेत्र का मामला बताकर वापस भेज दिया। बड़ी बात यह है कि दुष्कर्म की पीड़िता का आवेदन लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने या सहयोग करने की वजह पुलिस द्वारा पीड़िता को दूसरे थाना क्षेत्र का मामला बताकर आवेदन नहीं लेकर डराने की कोशिश करना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। साथ ही पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। हमें अगर धम के लिए कि लोग अब आतम रहवा तो मारबो तो यहाँ भागी गले संजय पास उनके कन्या नारो बेटी करके भागी जतरा काटी देता हूँ। भागी गले ओकरा के बाद की बोलिए तो बीपुर ले गए। बीपुर में एगो मुर्गा फार्म रहे वही में बलात्कार करलकै एक जोर जबरदस्ती एक लड़का ने। लड़का के नाम हमें जान विकास नहीं विकास में फिर बलात्कार करी के बस में हमरा रिलेशन में पहुँचा दिलकै कुरसेला से आगू छे छोहार गाँव भगिनी रहे छे। जब पता चलले तो हम अपना बच्चा के आनलिए यहाँ घर। घटना 25 तारीख के 11वां महीना। ओकरो बाद पता चले तो हमें घर आनलिए।
गेलिए थाना, थाना में केस नहीं लेके महिला कोर्ट गेलिए वहाँ ने केस लेके तब अलिए यहाँ। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की ओर से भागलपुर आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 33वां राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में नॉन वेल की रजत पदक विजेता चंदन कुमार सिंह, विद्या भारती उत्तर पूर्व बिहार के क्षेत्रीय सचिव नकुल कुमार शर्मा, भारतीय शिक्षा समिति बिहार के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा, क्षेत्रीय खेलकूद संयोजक ब्रह्मदेव प्रसाद, विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव प्रोफेसर शैलेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष अतुल ढंडनिया एवं प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। 6 दिसंबर तक चलने वाले इस राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों के विभिन्न क्षेत्रों से टेबल टेनिस विजेता प्रतिभागी छात्र छात्रा हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य के खिलाड़ी और छात्र छात्रा शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम में लॉन बॉल के रजत पदक विजेता चंदन कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी में खेल भावना का होना आवश्यक है और खेल हमेशा जीतने के लिए खेले, लेकिन हार से भी निराश नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।